तस्वीर एक जगह पर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अखिलेश यादव को सियासत करने का इस पर मौका मिल गया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के विकास की गुणवत्ता आधी अधूरी है, जिसका उदाहरण बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को एक हफ्ते भी नहीं गुजरे हैं और रोड एक जगह धंस गई। धंसी हुई रोड की एक तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए। बुधवार को ही जोरदार बारिश ने एक्सप्रेसवे की मजबूती की पोल खोल दी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लिए ये किसी मौके से कम नहीं था और उन्होंने इसे भुना भी लिया। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और ट्वीट करते हुए लिखा, यह है भाजपा के आधे अधूरे विकास की गुणवत्ता का नमूना। उधर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बड़े लोगों ने उद्घाटन किया ही था कि इधर एक हफ्ते में ही इस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गड्ढे निकल आए। अच्छा हुआ इस पर रनवे नहीं बना। अखिलेश यादव के वार पर यूपी सरकार के मंत्री ने पलटवार किया। नंद गोपाल नंदी ने ट्वीट किया, सुना है आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे हैं, अलग बात है कि आप अपने को गूगल मैप का बड़ा जानकार बताते हैं, लेकिन थोड़ा लिख कर फिर पढ़कर पोस्ट करना चाहिए। कम से कम बेसिक टेक्निकल नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में अचानक ब्लैक किंग कोबरा पहुंच जाए तो सोचिए वहां पर कैसा माहौल बन जाएगा। राजस्थान के कोटा में मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ जब एक कोबरा वहां लगे एसी में घुस गया, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज की हैं और ये ट्रॉमा वार्ड है और ट्रॉमा वार्ड में अचानक हड़कंप मच गया। उसकी वजह क्या है तो वार्ड में लगे इस एसी को गौर से देखिए। एसी के अंदर ब्लैक किंग कोबरा है। कोबरा को देखते ही नर्सिंग स्टाफ मरीज तीमारदारों में भगदड़ मच गई। देखते ही देखते पूरा वार्ड खाली हो गया। अस्पताल प्रशासन ने नगर निगम को सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कोबरा को एसी से बाहर निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोबरा कितना खतरनाक है। करीब 4 फीट उसकी लंबाई है। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने सांप को पकड़कर झोली में कैद कर लिया, जिसके बाद मरीज और तीमारदारों ने राहत की सांस ली। गनीमत रही कि कोबरा ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अस्पताल के अंदर कोबरा कैसे आया, कहां से आया, ये कितने दिनों से यहां रह रहा था, ये बड़ा सवाल है और अस्पताल प्रशासन के लिए जांच का विषय है। फिलहाल कोबरा को जंगल में छोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। राजस्थान के बारा में जंगल के बीच वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए 3 युवकों को ये भारी पड़ गया। 2 युवक 200 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गए और फिर क्या हुआ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें राजस्थान के बाराकुंडा खो वाटरफॉल की हैं, जहां 2 परिवारों के चिराग बुझ गए। पिकनिक मनाने गए 3 लोगों में 2 लोग 200 फीट की गहराई वाले वाटरफॉल में गिर गए, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक युवकों ने पहले पार्टी की और फिर नहाने के दौरान इनका पैर फिसल गया, जिससे वो कुंडा खो जलप्रपात के नीचे गिर गए। तीसरा जो व्यक्ति था वह घटना के दौरान कुछ दूरी पर बताया गया। जैसे ही लोगों के गिरने की आवाज सुनी तो वहां मौजूद लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। SDRF की टीम वाटरफॉल पहुंची, करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें 1 शव बरामद कर लिया गया है। पहाड़ों की ऊंचाई पर उसे लेकर टीम बाहर आई। दूसरे लापता युवक की तलाश की जा रही है। बता दें जहां ये युवक पार्टी करने गए थे ये भयानक जंगलों के बीच है, जंगली जानवरों का प्रवास है, बावजूद इसके युवक जान जोखिम में डालकर वाटरफॉल पहुंचे। फिलहाल SDRF की टीम लापता युवक की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।